पूर्णिया जिला रालोजपा जिला अध्यक्ष कंचन देवी के द्वारा चौहरमल जी की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी राजकुमार चौधरी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कंचन देवी और भावी मेयर प्रत्याशी राजकुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से चौहरमल जी की प्रतिमा का स्थापना कराया। इस कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए पूर्णिया नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी राजकुमार चौधरी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आपके स्नेह और समर्थन से बढ़ते हुए अगर वह मेयर पद पर आसीन होते हैं तो सिर्फ जनता की सेवा और भलाई का काम करेंगे। कार्यक्रम के बीच उपस्थित भीड़ ने भावी मेयर प्रत्याशी राजकुमार चौधरी का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर आयोजित भोज में भी भावी मेयर प्रत्याशी राजकुमार चौधरी और कंचन देवी ने संयुक्त रूप से भोजन परोसा। इस कार्यक्रम में रालोजपा जिलाध्यक्ष कंचन देवी सहित प्रदेश उत्तर पूर्व क्षेत्र के सहित विनय यादव, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विक्रम, मनोज पासवान, निकू रविराज, योगेंद्र पासवान, रामेश्वर पासवान, रिमझिम देवी, अशोक शाह समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आए हुए आदरणीय सभी भाई बहनों माताओं को हार्दिक बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं राजकुमार चौधरी, मैं बाबा चौहरमल जी के बारे में बहुत कम जानता हूँ। किरण जी मेरे पास आए, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, हमको जहाँ तक बन सका इनको हम सहयोग किए और ये कार्यक्रम करवाए। भविष्य में यदि आप लोग हमको मौका देंगे तो इनका मंदिर स्थापना भी करवाऊंगा, इनके नाम से शहर में पार्क करवाऊंगा और मैं बाबा भगवान चौहरमल जी को सत सत नमन करता हूँ। प्रणाम। समाज के पासवान समाज के लोगों सब पदाधिकारी या कार्यकर्ता या आम जनता लोग मेरे पास आए, अध्यक्ष किरण देवी कंचन देवी के साथ इन्होंने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर चौहरमल बाबा का, भगवान चौहरमल का हम लोग मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं, तो हम तैयार हो गए। हम समाज सेवी राजकुमार चौधरी हैं, हम ये सब काम में बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं, हम तैयार हुए। इन्होंने जो सहयोग मांगा मैंने दिया और आज जीवन काट के हमने उद्घाटन किया, बहुत अच्छा लगा हमको। और आज यहाँ आए तो क्या आप इन लोगों के समाज के लोगों को क्या देखे और क्या? बहुत अच्छा लगा, इस समाज एक साथ है, सब समाज एक साथ है और सभी आदमी यहाँ आए बाबा के स्थापना दिवस पर, हम भी शामिल हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। भविष्य में हम चाहेंगे कि यहाँ मंदिर निर्माण हो, बाबा के नाम से पूर्णिया में पार्क बने, इस पर हम पहल करेंगे आगे। पूरा डिटेल बताइएगा। चौहरमल बाबा का आज मूर्ति का स्थापना किया गया, क्या कहेंगे आज? आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, हमारे सीमांचल के लिए, कि आज सीमांचल में बाबा चौहरमल का प्रतिमा स्थापित किया गया है। और ये एक बड़ा, बहुत बड़ा मैसेज है अति पिछड़ा दलित के लिए कि आज पूर्णिया जिला में राजकुमार भैया के जरिए इसका आज स्थापना हुआ है। हमें सभी समाज का सहयोग चाहिए इसमें कि इसका मूर्ति हम संचालन करवा पाएँ और कर पाएँ, आगे भी हो। और राजकुमार भैया जो हैं ये भावी मेयर प्रत्याशी हैं, इन्हीं के जरिए ये संगठन में बाबा चौहरमल जी का जो प्रतिमा स्थापित हुआ है इसमें इनका बहुत बड़ा भूमिका है। और इनका मंदिर भी निर्माण किया जाएगा, जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि इनके नाम से एक पार्क भी बनाया जाएगा, तो ज़रूर हम खड़े उतरेंगे इस चीज़ पे, यही हमें उम्मीद है। बाबा का कहाँ जन्म हुआ था? मोकामाटाल में। क्या उसका कुछ है? ये एक पासवान जाति से बिलोंग करते थे और एक इनके जो दोस्त थे जो राजपूत जाति से थे, उनकी बहन मतलब देखने के क्रम में इनसे ये एक राजकुमार के तरह दिखते भी थे, जो कि इनसे इनको मतलब चाहने लगी इनको। खुशी का दिन है हमारे लिए, हमारे सीमांचल के लिए, कि आज सीमांचल में बाबा चौहरमल का प्रतिमा
समर्पित किया गया है और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि पिछड़ा दिन।